वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज अपनी व्लॉग शुरू किया है, 3:30 हो रहे हैं, 3:30 to 2:30 हो रहे हैं। और आज हमारा प्लान है हाईटी का, और अभी हम हाईटी भी जाएंगे और अभी फ्रेश वगैरह होंगे, अभी शावर वगैरह नहीं लिया, तो शावर वगैरह लेके हाईटी भी जाएंगे, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे हाईटी भी चल के। और आपकी जब क्या प्लान है। ओके गाइस, इस टाइम हम हो गए हैं रेडी, आप देख रहे होंगे हमें। और अभी हम हमारी गाड़ी वगैरह रेडी हो रही है, देखना सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो से मर्जी दिल करेगा उस पर चले जाएंगे। इस गाड़ी पे जाएं यार, या इस पर जाएँ, या इस पर जाएँ, आप जिस जो सी बताएँगे। एक अंदर भी खड़ी हुई है, जो सी आप कहेंगे हम उस गाड़ी पे चले जाएंगे और फिर हम आपको मिलेंगे आगे चल के। रेडी हो रही है, मिरल भाई भी हमारे साथ हैं। अभी गाड़ी में बस बैठने लगे हैं और जा रहे हैं। पीछे बहुत खूबसूरत सीनरी है। अच्छा, ये और इस टाइम हम आए हैं रमादा पे, ये सारी रमादा की पार्किंग है। और बस अभी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये रमादा की, हम अभी अंदर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है और हवा चल रही है अच्छी सी, और अभी आपको आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये इस टाइम हम आईटी पे आए हुए हैं, सारा आइटम लगा हुआ है। और हमने आरटी वगैरह इस टाइम कर लिया है और बस अभी हम जाएंगे घर की तरफ। ये देख लें, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, वॉशरूम एरिया, ये फायर वाला, और वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लें। वीआईपी वॉशरूम है भाई, वॉशरूम वगैरह यूज़ करके फिर हम चलते हैं। ये अभी इस टाइम हम रमादा में ही हैं, ये सारा इनके एरिया, इनका क्लब एरिया में आ जाता है, स्विमिंग पूल वगैरह, जिम और सब कुछ काफ़ी अच्छा। ये भी मेरे ख्याल में रूम्स बने हुए हैं, ये देखिए। अभी आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस टाइम हम अब जाने लगे हैं वापसी और मिलते हैं फिर आपको। इस टाइम हम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे विज़िट करने आए हैं, ये देखिए साथ मैकडॉनल्ड भी है। और ये भी गाड़ी वगैरह पार्क की है, हम देखते हैं आगे किधर जाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये हम जिन्ना इंटरनेशनल के अभी आपको दिखाने आए हैं, अंदर आए हैं। ये देखिए सारा, ये सारी जो आपको नज़र आ रही है रेस्क्यू वगैरह, ये जो लाइन है ये वो है प्रोटोकॉल, जिनका प्रोटोकॉल लगा हुआ स्पेशल। देख रहे हैं, हमें नारे लग रहे हैं खान साहब के, और जो लोग जलसे पे गए थे वो ज़ख्मी वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह उनके हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं। बस उनके वो खवातीन वगैरह उनका हो गया था वहाँ पे,
एक्सीडेंट वगैरह, इस वजह से अब वो लोग बस आ रहे हैं अभी और इस वजह से नारे लगाए जा रहे हैं खान को रिहा करो। और आगे चल के आपको दिखाते हैं, ऊपर आए हुए हैं ये एयरपोर्ट के एरिए पे। ये सारा है, आप देख रहे होंगे सारी प्रोटोकॉल वाली लाइन है, जिनके प्रोटोकॉल लगे होते हैं ये उनके लिए। और अभी जो नीचे आप देख रहे थे खान साहब के वो नारे लग रहे थे, वो आ रहे जो जलसे पे गए हुए थे और थोड़े ज़ख्मी वगैरह एक्सीडेंट हो गए उनके लिए नारे वगैरह लग रहे थे, वो खवातीन का एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं। और अभी हम बस साहब को चल के दिखाते हैं, पेट एरिया है ये देख रहे हैं। और अभी सारा यूनिक है रश, लोग उनको आगे रिसीव करने आए हुए हैं। ये देखे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और बस अभी हम गाड़ी में बैठने हैं क्योंकि हमारी गाड़ी रेडी है इस टाइम, और बस अभी चलते हैं घर की तरफ, फिर आपको मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।